नमस्कार, मैं हूँ रीटा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल अनटोल स्टूडियो में। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की तरह रोहित शर्मा की कप्तानी में कंगारू ने टेके घुटने। टीम इंडिया ने नागपुर में 6 विकेट से जीत कर वापसी की है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, 20 ओवर की जगह 8-8 ओवर के ही मैच खेले जा रहे हैं। और इसके अलावा भारत को दूसरे T20 मैच में 8 ओवर में 91 रनों की जरूरत थी और इंडिया की तरफ से टीम के कप्तान ने नाबाद 20 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली और 4 गेंद पहले ही मैच को अपने नाम कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टीम के कप्तान एरन फिंच ने 16 गेंदों में 31 रन बनाए और वहीं मैथ्यू वेड ने नाबाद 20 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली थी। अब हैदराबाद में होने वाले निर्णायक मुकाबले में दोनों टीम्स के बीच कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। और अगर बात करें कंगारू टीम की, तो इस टीम ने अपना पहला T20 मैच 4 विकेट से जीता। अब दोनों टीम्स सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं और हैदराबाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच को जीतने वाला सीरीज पर कब्जा जमा लेगा। अब इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार 25 सितंबर शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज स्क्वाड में हमें नजर आएंगे भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, यशवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह। और वहीं विपक्षी टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में हमें नजर आएंगे एरन फिंच, स्टीव स्मिथ, टिम डेविड, कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू वेड, एडम जेम्पा, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले मैच में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्रिकेट जगत से रिलेटेड और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज के लिए हमारे चैनल अनटोल्ड स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।